नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज का 10 फरवरी से होगा आवेदन। नीतीश कैबिनेट में 14 एजेंडों पर मुहर। इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा ईसी। 8 फरवरी के बाद प्रदेश का मौसम हो सकता है साफ। ट्रेन में कोई भी परेशानी होने पर आसानी से कर सकेंगे शिकायत। मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा की पत्नी की प्रतिक्रिया। इसके साथ ही बढ़ते बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर के पदों पर निकाली भर्ती। अग्निवीर पदों पर भारतीय वायुसेना की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2024 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 11 फरवरी 2024 कर दिया गया है। भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अग्निपथ वायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को साइंस में गणित, फिजिक्स और इंग्लिश विषय से 12वीं पास होना जरूरी है। या आपके पास 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज का 10 फरवरी से होगा आवेदन। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज का बीपीएससी ने ऐलान कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि 10 फरवरी से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योग्य अभ्यर्थी इसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा का आयोजन होगा। मालूम हो कि अगस्त के महीने में बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 4 की परीक्षा होगी। इसके लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस बहाली में कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की भर्ती होगी। वहीं शिक्षक भर्ती फेज 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं होगा। आयोग ने कहा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी इसके लिए अभी तैयार नहीं। नीतीश कैबिनेट में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को 10,000 रुपए की मदद करेगी। छात्रों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में यह मदद मिलेगी। नीतीश कैबिनेट में 2,165 पंचायत सरकारी भवनों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 6,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार एनडीए की सरकार के गठन के बाद ये कैबिनेट की दूसरी बैठक है। इसमें राज्य मंत्रिमंडल ने एनआईटी में एग्जीब्यूशन सेंटर के भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क को माफ किया गया है। 34,000 से अधिक आवेदकों को इसमें सीधे लाभ होगा। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित की मदद करने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सड़क हादसे में समय पर किसी की मदद से उसकी जान बच सकती है। वहीं ऐसे लोगों की मदद करने पर सरकार 10,000 रुपए तक का सहायता देती है। आपको बता दें कि घायल की मदद करने वाला व्यक्ति अस्पताल, पुलिस और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित होता है। बिहार सरकार परिवहन विभाग ने इसको लेकर जानकारी दी है। वहीं यहां 15 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को बेहिचक मदद करने की सलाह दी जा रही है। बालू के अवैध खनन से जाम लगने पर सरकार करेगी कार्रवाई। बिहार के कई जिलों में बालू के अवैध खनन की बात सामने आती है। वहीं बालू ढोने के कारण जाम की परेशानी होती है। इसे देखते हुए सरकार ने इसके सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव आमिर सुब्बहानी ने इसे लेकर संबंधित 7 जिलों के खनन पदाधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस प्रशासन की मदद से रणनीति बनाकर इस पर रोक लगाई जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस टीम को गठित करने का भी आदेश दिया गया है। बालू का अवैध खनन पर सख्ती बरतने का आदेश है। मालूम हो कि बालू के अवैध खनन से राजस्व को भी नुकसान होता है। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा ईसी। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग की टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के दौरे का प्लान बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम बिहार पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार आगामी 19 फरवरी को ये टीम बिहार आ रही है। आयोग की इस टीम में चुनाव आयुक्त अनुचंद्र पांडे, अरुण गोयल के साथ ही आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
तीन दिवसीय दौरे पर यह टीम राजनीतिक जिलों के प्रतिनिधि, सभी जिलों के जिलाधिकारी, SP व जिला निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेगी। इसके लिए बिहार के DGP और सभी जिलों के DM और SP के साथ बैठक भी होगी। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों का सब स्टेशन खोलना हुआ आसान। बिहार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का सब स्टेशन खोलना आसान हो गया है। इसे लेकर विभाग ने सूचना भी जारी की है। सरकारी या निजी जमीन पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 50% तक अनुदान देने की योजना बनाई गई है। AC चार्जर पर मशीन के क्रय पर 75% राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। निजी संचालक सरकारी जमीन को लीज पर लेकर चार्जिंग स्टेशन को लगा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग के पटना स्थित विश्व सरैया भवन के ऑफिस में आना होगा। यहां अप्लाई किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in/transport/citizenhome.html पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 3 साल के अंदर स्थापित करने और चालू करने वालों को ही राशि दी जाएगी। मालूम हो कि प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं चार्जर स्टेशन के लिए दे होंगे जहां भारत चार्जर की विशेषताओं को पूरा किया जाएगा। ट्रेन में कोई भी परेशानी होने पर आसानी से कर सकेंगे शिकायत। ट्रेन में करोड़ों लोग सफर करते हैं, वहीं इस दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। रेलवे में खाने में गड़बड़ी होने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। IRCTC के टोल फ्री नंबर 1800110139 पर शिकायत की जा सकती है। रेलवे के अनुसार ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे काम करते हैं। जानकारी के अनुसार सफर से पहले भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। वहीं ट्रेन में अगर कोई आपको परेशान करता है तो RPF से इसकी शिकायत की जा सकती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे ब्रह्मकुंड नालंदा के बारे में। यह राजगीर में स्थित एक प्राचीन गर्म पानी का कुंड है जहां हर साल कई श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर डुबकी लगाने आते हैं। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा द्वारा करवाया गया था। इस कुंड में पानी सप्तकरणी गुफा से आता है। यह पानी वैभारगिरी पर्वत से होते हुए गुजरता है। इस पर्वत पर कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम, गंधक और सल्फर होते हैं जिस वजह से पानी गर्म हो जाता है। इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है। यदि आप धार्मिक स्थानों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे QR कोड स्कैन कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चे अब QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और NCERT ने सभी विषयों की पढ़ाई को डिजिटल आधारित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने ई लाइब्रेरी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से सरकारी स्कूलों की किताब को डिजिटल किया है। इसके माध्यम से बच्चे मोबाइल पर कोई भी पाठ आसानी से पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को QR कोड के प्रचार प्रसार का आदेश दिया है। इसके बाद अब बच्चों को किताब नहीं रहने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। साथ ही स्मार्ट क्लास के संचालन में भी इससे सहायता होगी। यहाँ पर छात्रों के लिए सवाल पूछना भी मुश्किल नहीं होगा। विशेष टीम जेल से जमानत पर बाहर आए बदमाशों की करेगी मॉनिटरिंग। बिहार में जेल से जमानत पर बाहर आए बदमाशों की विशेष टीम मॉनिटरिंग करेगी। इसका मकसद है कि ये बदमाश फिर से किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे। हाल ही में घटनाओं में कई हिस्ट्री सीटेड बदमाशों की संलिप्तता सामने आई है। जेल से बाहर आए कई बदमाशों ने अपराध को अंजाम दिया था। वहीं अब इसको लेकर तिरहुत रेंज के IG शिवदीप लांडे ने विशेष टीम का गठन कर दिया है। इसके जरिए जमानत पर बाहर आए बदमाशों पर नजर रखी जाएगी। इससे अपराध में कमी होगी। मालूम हो कि पिछले दिनों अहियारपुर और शहर इलाकों में जेल से जमानत पर बाहर आए बदमाशों ने लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया था। महिला मजदूरों के बच्चों के लिए पालना घर का होगा निर्माण। पटना में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर का निर्माण होगा। जीविकोपार्जन योजना शहरी की मदद से मोबाइल क्रेचर गायघाट स्थित रैन बसेरा में पालना घर बनाया जाएगा। इसमें बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था होगी। यहाँ 3 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। देखभाल के लिए 2 कर्मी 8 घंटे के लिए मौजूद होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने रैन बसेरे में इसके लिए जगह दी है। यह अत्यंत गरीब कामकाजी महिलाओं के लिए है। वहीं पटना के कई सरकारी विभागों में भी पालना घर है। पालना घर में बच्चों के रहने की सुविधा होती है। बताया जाता है कि बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पालना घर का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार बाजार में भारत चावल को उतारने जा रही है। यह 5 किलो और 10 किलो के पैकिंग में उपलब्ध हो लोगों को ये महज 29 रुपए किलोग्राम की दर से मिलेगा। पीयूष गोयल इसकी पेशकश करेंगे। सस्ते दाल और आटा के बाद सरकार सस्ते चावल देने वाली है। FCL 2 सहकारी समिति NAFED व NCCF के साथ खुदरा श्रृंखला केंद्रीय भंडार को
5 लाख टन चावल बिक्री के लिए दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि इससे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। 8 फरवरी के बाद प्रदेश का मौसम हो सकता है साफ। बारिश के बाद बिहार के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद मौसम साफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है, लेकिन राज्य के उत्तर पूर्व भागों के एक या दो स्थानों पर घना कुहासा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और 10 से 12 डिग्री तक रह सकता है। बिहार की बेटी नेहा और आयशा शर्मा के स्टाइलिश लुक पर फैंस हुए फिदा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहनें नेहा शर्मा और आयशा शर्मा के करोड़ों फैंस हैं और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। भागलपुर से अपना संबंध रखने वाली और कांग्रेसी नेता अजीत शर्मा की बेटी की किसी न किसी कारण से चर्चा होती रहती है। हमेशा इनका अलग ही अंदाज सामने आता है। फैंस इनकी तस्वीर को खूब पसंद भी करते हैं। इसी कड़ी में दोनों बहनों की तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो रही है। इसमें उनका अलग स्टाइल देखने को मिल रहा है। दोनों बहनों की तस्वीर सामने आई है। इसमें नेहा शर्मा ने स्वेटशर्ट के साथ जीन्स पहना है, वहीं आयशा ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। इनके नो मेकअप लुक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बालों को बांधा हुआ है। मुजफ्फरपुर में 2000 लीटर स्प्रिट बरामद। मुजफ्फरपुर में पटना के मद्य निषेध की टीम व पुलिस ने 2000 लीटर स्प्रिट को बरामद किया है। इसे जिले के सिकंदरपुर ओपी के अखाड़ा घाट स्थित एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से बरामद किया गया है। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 2 बोलेरो भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि स्प्रिट को गैलन में डालकर लाया गया था। इसे शराब का निर्माण किया जा रहा था और होली में इसे खपाने की प्लानिंग थी। फिलहाल 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। इनके नाम का सत्यापन किया जा रहा है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं बताया जाता है कि यह स्प्रिट कच्ची है, इसे शराब बनाई जाती है। जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ की करोड़ों की संपत्ति जब्त। जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ को 77 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अमीरी ने जदयू के एमएलसी की 26 करोड़ 19 लाख की 2 अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है। पिछले 13 सितंबर को इन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने पहले इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं इससे पहले केंद्रीय एजेंसियों ने कई बार जदयू एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी की थी, साथ ही कई दस्तावेजों को बरामद किया था। फिलहाल राधाचरण सेठ और उनका बेटा बेऊर जेल में बंद है। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 15 फरवरी से दूसरा चरण। बिहार में राहुल गांधी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा फेज 15 फरवरी से शुरू होगा। ये यात्रा झारखंड से बिहार में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी 15 फरवरी को औरंगाबाद के कुटुंबा पहुंचेंगे। इसके बाद वह सासाराम में रात के समय में विश्राम करेंगे। कैमूर, सासाराम और औरंगाबाद के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस नेता की यात्रा होगी। हालांकि इस दौरान वे कोई जनसभा नहीं करेंगे। इसके पहले उन्होंने पूर्णिया में रैली की थी। दूसरे चरण में राहुल गांधी 2 दिनों के लिए बिहार आएंगे। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा सफल रही थी। इसके बाद वह दक्षिण बिहार का दौरा करेंगे। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी के दावे पर जताई आपत्ति। आरजेडी से सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों को जीतने का दावा किया था। इस पर मनोज झा ने आपत्ति जताई है और कहा है कि क्या इसका मतलब ईवीएम को हैक करना है। इनका कहना है कि सीटों की अस्पष्ट संख्या बताने पर संदेश होना लाजिमी है। आरजेडी सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। संख्या बताने पर संदेह पैदा होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि इस बार एनडीए 400 सीट जीतेगा और बीजेपी 370 पर जीत हासिल करेगी। सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है। आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया आदेश। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें हर 15 दिन में पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब की मांग की गई है। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद को पिछले साल अप्रैल के महीने में रिहा किया गया था। फिलहाल ये जेल से बाहर है। आनंद मोहन ने कहा था कि सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाया है, ये कहना गलत है। इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता हुई रद्द। राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आरजेडी की शिकायत पर विधान परिषद के सभापति ने यह फैसला सुनाया है। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 16 जनवरी को इस मामले में आखिरी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। बिहार विधान परिषद के दल विरोधी नियम के तहत की कार्रवाई की गई है। इन पर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान देने का आरोप है। आरजेडी के उप मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह ने इनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी। आपको बता दें कि रामबली चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा आरक्षण पर सवाल उठाए थे। साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद इन्हें पार्टी की ओर से नोटिस भी भेजा गया था। मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा की पत्नी ने दी प्रतिक्रिया। आईपीएल में फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की घोषणा की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात की निंदा की है। इसके बाद कोच मार्क बाउचर ने इसके पीछे का तर्क समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से क्रिकेट निर्णय है। इस पर रोहित शर्मा की पत्नी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत है। वहीं मार्क ने कहा था कि लोगों को इस फैसले से भावुक नहीं होना चाहिए, खेल और भावनाओं को एक दूसरे से अलग रखना होगा। इधर रितिका के इस बात को गलत बताने के बाद सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा आईपीएल के लिए 5 बार खिताब हासिल करने वाले कप्तान हैं। बिना इंटरनेट के भी चला सकते हैं गूगल मैप। कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो कई बार रास्ता पता ना होने पर हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। यह आम जीवन में गूगल द्वारा दिए जाने वाला सबसे उपयोगी सेवाओं में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसका इस्तेमाल बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं? जी हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सुदूर जगहों पर नेटवर्क कनेक्शन ही लॉस्ट रहता है। ऐसे में जहाँ नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट रहता है, वहाँ यह फीचर बड़े काम का हो सकता है। आपको बता दें कि गूगल ने 2015 में भारत के लिए ऑफलाइन नेविगेशन शुरू किया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1915 में चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था। आज के दिन वर्ष 1983 में कोलकाता में स्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना की गई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोध दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल एससी जमीर ने डीलिट की उपाधि से नवाजा था। आज के दिन वर्ष 1997 में भारतीय नौकायन खिलाड़ी अर्जुन लाल जाट का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एस रामचंद्रन का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा बेटियों को दिए जा रहे 1,60,000 रुपए के बारे में। इंटरनेट के जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में हम तक भी एक खबर पहुंची जहां यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सभी बेटियों को 1,60,000 रुपए तक की नगद राशि दी जा रही है। इस योजना को लेकर एक यूट्यूब चैनल द्वारा वीडियो बनाया गया है जहां मिलने वाले इस राशि का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल की तो हमने पाया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जहां उसने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, कहाँ पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है गुड़गांव। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। कहाँ के गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है चीनी स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसरो। हाल ही में भारत 34,000 टन आलू किसको निर्यात करने वाला है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इजराइल। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? ऑप्शन ए है महाराजा दरभंगा, ऑप्शन बी है महाराजा हथुआ, ऑप्शन सी है महाराजा टिकारी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी।
इसका सही उत्तर है महाराजा दरभंगा। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1888 में। इसका सही उत्तर है 1863 में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक गुप्त वंशी, वकील महतो, प्रकाश रजक, सुकुमार सिंह बादल, पंकज कुमार दास, भरत प्रसाद, पूजा कुमारी, राजेश, नव्या सिंह, राजीव कुमार, प्रवेश गुप्ता, अतीक खान, मुन्नू कुमार, अजय राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, मंजय कुमार, सोनी सिन्हा, मंजू देवी, शंकर कुमार, श्यामनंद चौधरी, धानु कुमार, नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जदयू के एनडीए में शामिल होने से आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 में से कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।